सो हेलो फ्रेंड, फिर से आपका एक बार जी ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम चलते हैं एस सी एफ एंड एल सी एम, हाइस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि एस सी एफ यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की तरफ चलते हैं। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले मैं आपको इसके सूत्र और कुछ सवाल भी पढ़ा चुका हूँ, और चलिए आज हम चलते हैं फिर एक क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें कुछ नोट है, ठीक है। आप इसको देखिए, भिन्न के केस में यदि इस प्रकार का, जैसे मान लीजिए कि इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए या एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए सूत्र एलसीएम बटे एससीएफ, ठीक है। क्या करेंगे, एलसीएम बटे एलसीएफ एससीएफ। निम्न के केस में अब इस प्रकार का मान लीजिए आ जाए कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एससीएफ ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या करेंगे, एससीएफ बटे एलसीएम। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्या हो गया है, 11, 55, 33, 44। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 11, 55, 33, 44, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आई होप कि 11 से कट जा रहा है, ठीक है। 11, 11, 11, 55, 11, 33 और 11, 44, ये कट गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, 11 × 5 × 3 × 4, ठीक। हम इधर से उड़ा कर देते हैं, 4 × 12, 5, 60, और 60 में 11 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 6, 60, यानी कि 610। आपका ये क्या हो गया, 660। 11 × 6, 60, यानी कि क्या हो गया आपका, 660, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें देखना है एस सी एफ वाले में कि एस सी एफ पे होता क्या है, कि जो इसमें देखना है कि सबसे जो बड़ी संख्या रहेगी, ऐसी संख्या रहे जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लें, जो कि एक ही संख्या से पूरी संख्याएं विभक्त हो जाए, यानी कि विभाजित हो जाए। तो आप इसमें लीजिए, आई होप के साथ सेवन को लीजिए, तो 7 × 2 = 14 हो गया, 7 × 6 = 42 हो गया, 7 × 5 = 35 और 7 × 9 = 63, यानी कि ये पूरी पूरी संख्या 7 से विभाजित हो गई। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम बराबर अब क्या हो जाएगा, 660, ठीक है। अब एस सी एफ, अब इसके बटे हम कर देंगे, ठीक है। एस सी एफ, एस सी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि ये 7 से पूरी संख्या विभक्त हो गई, कट गई, तो हम क्या करेंगे, 7 660 बटे 7, आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे लिख भी रखा है और बताया भी हो, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, 1.75 को हम, अब इसको हम 1.75 को सरल करने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रहेंगी हम उसके बटे में जितनी संख्या रहेगी उतना जीरो हम बढ़ा देंगे। तो क्या होगा कि 1.75 ले लीजिए, 175 हो गया, ठीक है। अब इसके बटे हम क्या कर देंगे, यानी कि 2 जो है यहाँ पे, तो 1 और 2 जीरो बढ़ा दिए, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि 2 दशमलव के बाद यदि 2 अंक रहेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 3 अंक रहता तो 3 अंक, 4 अंक, तो इस प्रकार से यदि 1 भी अंक रहता तो फिर 1 जीरो बढ़ता, ठीक है। अब चलिए इस प्रकार से 5.6 है, क्या है, 5.6। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि इसके बाद जो दशमलव के बाद की संख्या है 1, तो क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे 56। अब इसको 1 लिखे, क्या करेंगे, 1 जीरो है तो 1 जीरो, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, 7 है, तो अब इसके बटे कुछ नहीं है, तो इसके बटे 1, इसको अब हम यहाँ अलग से राइट कर लेते हैं, 175 बटे 100।
अब इस तरीके से पहले हम लिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, 56/10, अब जो 7/1। साथ ही सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, ठीक है। सरल करने के लिए क्या कर लेंगे, मान लीजिए इसका हम 25 से काट रहे हैं, ठीक है। 25 चौका 100, ठीक, ये कट गया। अब 25 सत्ते 175 हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 पचे के 10 हो गया आपका ये। फिर 2 दूना के 4, 2 अठे 16, 28 हो गया। और ये 7 आपका तो ये है यहाँ इधर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 7/4 कॉमा 28/5 कॉमा 7/1। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, SCF, ठीक है। इस प्रकार जब इसमें महत्तम पूछा है तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, SCF। SCF यानी कि अब आपको दिखा दें कि ऐसी संख्या लेंगे जो कि वो बड़ी संख्या रहेगी, और उसी संख्या से क्या होगा कि छोटी संख्या लेंगे और उसी से वो उस संख्या से पूरी संख्या एक कट जाएंगे। तो ठीक है, 7 1 मतलब कि 7 4 28 ये भी कट गया, 7 1 7, और ये 7 1 7, यानी कि 7 से ये संख्या विभक्त हो गई, यानी कि अब यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो गया, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, देखिए इसका हम क्या ले लिए, इसका हम SCF ले लिए, ऊपर वाले का SCF जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया है। अब हम क्या हो जाएगा, LCM लेंगे तो 4 और 5 के LCM कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7/20 आपका हो गया इधर, और चाहे तो इसको हम और सरल भी कर सकते हैं, और ये तो आपका ये क्या हो गया। अब हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, HCF बराबर 7, ठीक है। अब इसके बटे LCM बराबर कितना हो जाएगा, 20, आपका ये हो गया आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम उसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसका ये क्या पूछा है, LCM पूछा है, क्या पूछा है, LCM समापवर्त ज्ञात कीजिए, ठीक। अच्छा, हमने आपको बताया था कि यदि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रहेंगी उतना 0 बढ़ेगा, तो चलिए इसको हम सरल करते हैं। और एक बात आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, देखिए आपको ये समझाने के लिए ऐसा राइट कर देते हैं, लेकिन ये राइट नहीं होता है, ठीक है। निकलेगा सेम, ठीक है, लेकिन ऐसे ही लिखा नहीं जाता। यदि आपको यहाँ पे मान लीजिए कि लघुत्तम पूछा है तो LCM पूछा है, तो LCM ही राइट होगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे समझाने के लिए राइट किया, तो मैं अब इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो LCM यहाँ पे पूछा है तो ये LCM हो गया। और यहाँ पे देखिए महत्तम पूछा है यानी कि SCF पूछा है, तो आपको यहाँ पे SCF ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट में। ऐसे क्या हो जाएगा, 0.36। अब इसको हम सरल कैसे करेंगे, 0.36 को जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसको सरल करने के लिए इसके बाद क्या हो जाएगा कि जितनी संख्या रहेंगी उतना क्या होगा, वो 0 बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 36। अब 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ गए, ठीक है। अब इसी प्रकार से 1.2 है, इसको आप जब सरल करेंगे तो क्या होगा, एक ही संख्या है तो 1 ही 0 बढ़ेगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, 12, फिर 1 0 बढ़ा दिए तो 2 से 12/10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 4.8, 4.8 को, अच्छा डायरेक्ट मैं इसके नीचे नहीं लिख सकता, इसलिए कि ये लिखेंगे तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये एक ही ये अंक है, ठीक है, संख्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 48/10। तो चलिए सबसे पहले अब इसका ये क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्त पूछा है, तो इसका हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, ऊपर वाले का हम LCM निकालेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 36, इसके बराबर 36/100, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 12/10, ठीक है। अब क्या होगा, 48/10। इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हम 4 से काट रहे हैं, तो उसका ये कितना हो जाएगा, 25 हो गया ये, ठीक।
अब मैं क्या होगा, 4 नवाई के 36, इसको 2 से काट रहे तो 2 6 12 2 5 10 ठीक है। अब कितना हो गया, 2 से इसको हम काट रहे हैं तो ये 2 2 4 2 4 8 2 5 10। अच्छा अब इसके बराबर हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, अभी देखिए हम इसका क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं ठीक है। 9/25, 9/25 हो गया, और वहाँ कितना हो गया, 6/5 ठीक है, 24/5, 9/25, 6/5, 24/5। अच्छा अब इसका हम क्या निकालेंगे, अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम ठीक। तो 9 6 24 इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम, तो एक ही संख्या से कटेगा, 3 से ट्राई करते हैं, यानी कि सबसे छोटे से छोटी संख्या से ट्राई ही होता है ठीक है। 3 3 का 9, 3 2 9 के 6 हो गया, 3 8 24। फिर हम 2 से ट्राई कर रहे हैं, 3 हो गया, 2 1 क्या 2, 2 4 8, अब क्या हो गया, 3 1 फिर 3 1 क्या 3, फिर 1 फिर 4, 4 से हम कर देंगे ठीक है, 1 1 1, यानी कि आपका क्या हो गया, 3 × 2 × 3 × 4, 3 × 2 × 3 × 4, 3 2 9 के 6 3 18, 18 4 कितना हो गया आपका, 72। आपका ये क्या निकल चला है, एलसीएम, आपका एलसीएम कितना है, 72 है ठीक है। अब इस प्रकार से अब एचसीएम में जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी सबसे छोटी संख्या से, उसमें हम क्या करेंगे, एचसीएम में देंगे, यानी कि 5 5 25 ये हो गया, 5 1 5, 5 1 5, यानी कि 23 संख्या कट गया, तो इसका एचसीएम क्या है, 5 है। तो अब इसके बढ़े हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं आपको देखने, 75, अब क्या है, एलसीएम है, अब ये जो 5 है क्या है आपका, एचसीएफ है ठीक है। तो इसको हम काट देते हैं, इसको और हम सरल करते हैं, तो 5 1 क्या 5 हो गया आपका ये ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे हम 2 यहाँ पे उतार ले, तो फिर क्या हो गया, 5 हो गया 20 ठीक, आपका 2 हो गया, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0, 5 हो गया 20, यानी कि आपका क्या हो गया, इसमें क्या पूछा है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर आप यहाँ पे देखते रहिए, एलसीएम बराबर आपका कितना हो गया, 14.4 आपका ये हो गया आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।